एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। किन फिल्मों में साथ नजर आए थे सलमान और अरबाज? छोटे भाई को हीरो बनाने में सलमान क्यों असफल रहे? किन फिल्मों में एक्टर और प्रोड्यूसर बनकर दोनों की जोड़ी हिट रही? हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दबंग फ्रेंचाइजी के पिछले 3 पार्ट्स करने के बाद अब सलमान दबंग 4 लेकर आ रहे हैं। दबंग में चुलबुल पांडे का लुक और उनका स्टाइल बच्चों बच्चों के दिलों में छपा हुआ है। वहीं चुलबुल और रज्जो की जोड़ी भी अभी तक खूब पसंद किया जा रहा है। दबंग 3 के आने के बाद ही लोग चौथा पार्ट जल्द से जल्द आने का अनुमान लगा रहे हैं। मेकर्स का कहना है दबंग 4 2025 से पहले लाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर काम शुरू भी किया जाएगा। दबंग 4 के लिए कहा जा रहा है कि इसे तिग्मांशु धोलिया डायरेक्ट करने वाले हैं। वहीं इसे प्रोड्यूस करेंगे दबंग फ्रेंचाइजी के इकलौते सलमान के छोटे भाई अरबाज खान। क्या आप जानते हैं अरबाज खान प्रोड्यूसर के साथ साथ एक एक्टर भी हैं और कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अरबाज अगर एक्टर भी हैं और उनके बड़े भाई सलमान भी एक जाने माने सुपरस्टार हैं, तो वो अपने एक्टिंग करियर में सफल क्यों नहीं हो पाए? आज इसी पर बात करते हुए हम आपको दोनों भाइयों का रिश्ता बताएंगे, साथ ही अरबाज के एक्टर ना बन पाने के पीछे की वजह भी बताएंगे। बताएंगे कि कैसे छोटे भाई ने दबंग बनाकर अपना एक बड़ा टैलेंट दिखाया। अरबाज खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्में कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी एक्टिंग से लोगों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए। इसके पीछे की वजह बताई जाती है। आपको बता दें, अरबाज ने भी अपने बड़े भाई की तरह अपना करियर एक्टिंग में ही शुरू किया था, लेकिन जहां एक्टर्स इस लाइन में अपना करियर शुरू करते हुए रोमांटिक या दमदार हीरो का रोल ढूंढते हैं, वहीं अरबाज ने अपनी पहली ही मूवी में नेगेटिव रोल चुना। अरबाज अपनी पहली मूवी दरार में नेगेटिव रोल करते दिखाई दिए थे। 1996 में आई इस मूवी में एक्टर ने विक्रम भाटिया का रोल किया था। दूसरी वजह उनका मूवी में साइड रोल चुनना बताया जाता है। एक्टर ने अपने करियर की ज्यादातर फिल्मों में साइड रोल ही किए हैं। इसमें उनके सलमान खान के साथ प्यार किया तो डरना क्या और हेलो ब्रदर जैसी सुपरहिट मूवीज हैं। वहीं अरबाज के फ्लॉप करियर के पीछे सबसे बड़ी वजह उनके भाई यानी सलमान को बताया जाता है। अरबाज की ज्यादातर फिल्मों में लीड में सलमान दिखाई देते हैं, जिसमें उनकी एक्टिंग फीकी पड़ जाती है। हालांकि एक्टर ने कई फिल्में लीड में रहकर बनाई हैं, जिसमें प्रेम का गेम 2004 में आई, वजह जैसी मूवीज शामिल हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों का दिल नहीं जीत पाई। फिल्में तो कई सारी की, लेकिन नाम केवल प्रोड्यूसर बनकर ही मिला। अरबाज ने एक्टिंग में सफल ना करियर बनने के बाद प्रोड्यूसर बनने में अपनी किस्मत आजमाई। किस्मत ऐसी चमकी कि पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और पिछली सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2010 में आई दबंग, जिसमें दोनों ही भाइयों ने लाइफ बदल कर रख दी। ये सलमान हीरो रहे, वहीं अरबाज प्रोड्यूसर। दबंग एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन गई है जिसका पार्ट 4 आने के बाद भी पता नहीं होगा कि ये और कितना आगे जाएगी। दबंग 1, 2 और 3 ने तो सबको खुश किया है, लेकिन अब जल्द दोनों भाइयों का काम दबंग 4 में दिखने वाला है। दोनों के फैंस इस पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मूवीज से जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहते हैं। आप अरबाज के एक्टिंग में फ्लॉप होने का रीजन किसे मानते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।